शैम इधर देखो, शैम कैसी है जगह? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी है। हैं, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ भाई, तो वीडियो को सपोर्ट देना और वीडियो को पूरा देखना। चलो सबको बताओ कि चप्पल पहन के आना। मजा आ रहा है कितना? आहा भाई मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहरादून का लड़का। अभी जो आपने ट्रेलर देखा वो सभी कुछ आपको वीडियो में दिखने वाला है, पर उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ आज दो नए पार्टनर हैं। मैं अपने दोनों नए पार्टनर से आपको मिलवाता हूँ। आज व्लॉगिंग के लिए मेरे साथ आया है सैम और सक्षम। आपका नाम क्या है? समर। आपका नाम? सक्षम। और हम आज हम कहाँ पे आए हैं? नदी में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ उनको नदी में, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा बच्चों का और अपना व्लॉग बन जाएगा, तो चलते हैं। पर व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आसान नहीं है बच्चों के साथ। वो आसान क्यों नहीं है वो आप इस वीडियो में देख लेंगे आगे आगे। और जो मैं आपको कह रहा था बच्चों के साथ व्लॉगिंग आसान नहीं है, वो इसलिए बोल रहा था, ये देखो, एक तरफ कैमरा, एक तरफ बैग, हाथ में कोल्ड ड्रिंक, एक हाथ में कैमरा और ऊपर सैम। इधर देखो सैम, कैसी है जगह? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी है। हैं, पानी कैसा है? अच्छा। ठंडा भी है बहुत ज़्यादा। सैम क्या है ये? डोंकी। कौन सी वाली नदी में आएंगे? अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। वो देखो आगे जाना है, आगे बहुत दूर जाना है। अरे यार, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ भाई, तो वीडियो को सपोर्ट देना और वीडियो को पूरा देखना। क्या हुआ सक्षम, कितनी सारी फिशेज हैं? कहाँ पे है दिखाओ? यहाँ पे है। हाँ भाई है, है, है। बहुत सारी है भाई, बहुत सारी है। यहाँ देखो पूरी विक्रम बेताल वाली फीलिंग आ रही है। मैं इसका विक्रम बेताल हूँ और ये मेरा भूत है। ये गंजा बहुत छोटा है तो ये चल नहीं पाएगा पानी में, और ये गलती से चप्पल लाना भी भूल गया अपना, तो इसको लेकर मेरे को चलना पड़ेगा पूरे रास्ते में। बाकी व्यू बहुत अच्छे हैं आप देख सकते हो, लेकिन गंजे को तो लेके जाना ही पड़ेगा। गंजे हाय बोलो सबको। हाय। हाथ से बोलो हाय। तो यार एक अच्छी सी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और अपना सामान हमने रख दिया है नीचे, और अभी जाएंगे पानी में। पहले कराता हूँ सैम से थोड़ी बात। क्या हुआ, पैर गंदे हो गए? कितने गंदे? बहुत गंदे हैं। सबको बताओ कि चप्पल पहन के आना। चप्पल पहन के आना। तो सैम कह रहा है भाई चप्पल पहन करके आना अपनी। मैं पहन करके आया था और सैम पहन करके नहीं आया था, इसलिए उसके पैर गंदे हो गए हैं। तो चप्पल पहन करके यहाँ पर आना। तो चलते हैं, पहले थोड़ा चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं पानी के अंदर। नदी में जाने से पहले हमारे शैम को लग गई है पानी प्यास। क्या लगी है? क्या पीना है? तो इसको पिलाता हूँ पहले पानी और फिर चलते हैं नदी के अंदर। लो पियो और पियो, थोड़ा चाहो ले लो। अब चले नदी में, चलो। तो इतने सारे क्लिप्स देख करके आप समझ गए होंगे कि बच्चों के साथ व्लॉगिंग आसान नहीं है भाई।
कितना गर्म है पानी? बहुत। मजा आ रहा है? ऐसे खेल के बताओ। सैम ने आज पूरी मस्ती की ना, मजा आया? हाँ सैम को बहुत मजा आया पानी में नहाने में। आज कितना दिखा दो। अच्छा पानी दे दो सबको, पानी दे दो सबको। ओहो क्या बोलोगे सबको? थैंक यू। और मेरे चैनल का नाम क्या है? हाँ सब्सक्राइब करना, बोलो सब्सक्राइब करना। आराम से ना देखो सक्षम भी बैठ गया, आप भी बैठ जाओ, थोड़ी नीचे को जाओ, कुत्ते गिल्ले कर लो, कुत्ते गिल्ले कर लो थोड़े। गंजा भी गिल्ला नहीं हुआ आपका तो, चकला भी गिल्ला नहीं हुआ। गरम गरम है तो, गरम गरम पानी है ना, है ना? पानी कैसा है? फिर नाओ चलो, अपने ऊपर भी डालो, ऐसे डालो अपने ऊपर। तो सैम भी नहा गया है ठंडे ठंडे पानी में और कह रहा है गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, हालांकि उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो नहा चुके हैं, अब थोड़ा सा करते हैं कपड़े वपड़े चेंज और फिर निकलते हैं यहाँ से। बातें करता हूँ आपसे बात जल्दी ही, पहले करता हूँ चेंज और फिर मिलता हूँ जस्ट एक मिनट में। हेलो। तो लोकेशन बहुत ही प्यारी है और इसीलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर के आया था और इससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों को बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छा डे स्पेंड किया। सैम मज़ा आया? सक्षम मज़ा आया? दोनों बच्चों को बहुत मज़ा आया, दोनों बच्चे अच्छे से नहाए, हालांकि पानी से डर लगता है क्योंकि अभी छोटे हैं तो फिर, पर फिर भी दोनों ने बहुत मज़े किए। तो लोकेशन जो है वो है दो पत्थर से ऊपर की जगह पड़ती है, अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकता है और यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो लोकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नदी में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि आपको नंगे पैर आना पड़ेगा क्योंकि पूरी नदी है और आपके पैर भीग जाएंगे अगर आप शूज़ पहन करके आएंगे। तो इस लोकेशन पे अगर आप आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो मुझको मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको लोकेशन भेजूंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ में। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितने भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे उतना ज़्यादा आपके भाई का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।